आपको अपने पेरेंट्स से कुछ आदतों के लिए कभी ना कभी डांट तो जरूर पड़ी होगी। अरे उठ जा, अगर ऐसे ही सोते रहोगे तो जिंदगी भर बस सोते ही रह जाओगे, या यूं ही घूमते रहे तो कुछ नहीं बन पाओगे, वगैरह वगैरह। पर क्या आप सोच सकते हैं कि आप सोते सोते भी पैसे कमा सकते हैं, या घूमते हुए या फिर खाना खाते हुए? जी हाँ, इस दुनिया में कुछ ऐसे यूनिक जॉब्स हैं जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। हम आपको कुछ ऐसी ही अनोखी जॉब्स के बारे में बताएंगे अपनी नई प्लेलिस्ट यूनिक जॉब्स में। सोना किसे पसंद नहीं होता, पर पूरी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए नींद से बढ़कर कुछ नहीं होता। वो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आराम से सो जाते हैं। घर वाले भले कुछ भी कहें, पर उन्हें तो सोने में ही मजा आता है। और काम तो वही करना चाहिए ना जिसमें मजा आए। तो चलिए आज हम यूनिक जॉब्स में आपको बताते हैं कि आप सोते सोते पैसे कैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल स्लीपर्स की। सोना हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत जरूरी है। अच्छी नींद कैसे आए, इस सब्जेक्ट पर बहुत सी रिसर्चेस होती रहती हैं, जिनमें साइंटिस्ट को स्टडी करने के लिए जरूरत पड़ती है प्रोफेशनल स्लीपर्स की, जिनका काम है सोना ताकि साइंटिस्ट अपना काम कर सके। आपको लग रहा है ना, वाह कितना आसान है, बस सोना ही तो है। जी नहीं, ये वो नींद नहीं है जिसे आप अपने बेडरूम, पार्क की बेंच, ट्रेन की बर्थ या फिर अर्थ पर कहीं भी ले सकते हैं। ये है प्रोफेशनल स्लीपर्स, जिन्हें सोने के साथ साथ कई तरह के और काम भी करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोने के अलग अलग तरीके यानी स्लीप पैटर्न्स को साइंटिफिकली ऑब्जर्व करना, नींद के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स जैसे मैट्रेसेस, सोफा या पिलोज की क्वालिटी का इवैल्यूएशन करना। इतना ही नहीं, जिस जगह पर हमें सोना है वो जगह कितनी आरामदायक है, शोर शराबा कितना है, लाइटिंग कैसी है, वो कैसा महसूस करते हैं, इस तरह के कई ऑब्जर्वेशंस की एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करना भी इन स्लीपर्स का ही काम होता है। प्रोफेशनल स्लीपर बनने के लिए सोने के साथ साथ आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप होम सिक हैं तो ये जॉब आपके लिए नहीं है, क्योंकि रिसर्च के दौरान लंबे समय तक आपको घर से दूर रहना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, एक्सपेरिमेंट के लिए शरीर पर वायर्स लगाकर आराम से सोने का टैलेंट भी आप में होना चाहिए। आपने कितनी भी पढ़ाई की हो, लेकिन अगर आप में ये सारी क्वालिटीज है और आप अडल्ट हैं यानी 18 साल के हो चुके हैं, तो आप भी प्रोफेशनल स्लीपर बनकर पैसे कमा सकते हैं। हाँ, कुछ हेल्थ हैबिट्स फॉलो करनी पड़ती हैं जो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करती हैं। पर क्या आपको आइडिया है कि इस प्रोफेशन से आप कितना कमा सकते हैं? 2013 में नासा ने प्रोफेशनल स्लीपर को 70 डेज सोने की सैलरी दी, पूरे $18,000, लगभग 4 लाख रुपए। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो ने वॉलंटियर्स को 14 से 17 घंटे सोने के लिए पूरे $2,730 दिए। अब हुआ ना आराम का काम और सोने का दाम। लेकिन हर जॉब की तरह चैलेंजेस यहाँ पर भी हैं। एक प्रोफेशनल स्लीपर की जॉब कभी परमानेंट नहीं होती, और पेमेंट भी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बदलता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। इतना ही नहीं, इसमें कई घंटों तक आपको बंद कमरे में ही रहना पड़ता है, जिसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। सोते सोते कमाना किसी सपने जैसा ही है, पर अब आपको भी पता है कि ये सपना नहीं सच्चाई है। तो सोने वालों, चैन से सोना है तो और सोने के लिए तैयार हो जाओ और साथ में पैसे भी कमाओ प्रोफेशनल स्लीपर बनकर। Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.